चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के साथ कौन मुस्लिम विद्वान भारत आया? अल बरूनी। अगला है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। अगला है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। अगला है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक छत्तप नहपाड़ के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमी बुद्ध सातकर्णी ने। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ? जबाल उपनिषद में। अगला है, संगम काल के किस साहित्य से संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। अगला है, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। अगला है, शाहजादे रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। अगला है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया? बलवन के मकबरा में। अगला है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। अगला है, पुनर्जन्म जन्म से संबंधित पिता का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाब्बू में है किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन वर्ट ने की थी। अगला है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हैन सांग ने शक्रादित्य कहा था? कुमार गुप्त द्वितीय को। अगला है, बदायूं में स्थित होज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगला है, मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते हैं? कहते थे फौजदार। अगला है, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासन काल क्या है? 1844 से 1848 तक। अगला क्वेश्चन है, मैं निश्चित पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट है, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी, यह किसका कथन था? लॉर्ड कर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में, सॉरी 1856 में लॉर्ड केनिन के समय। याद रखिए 1856 है यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा सिकोर।
अगला, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह 13वें अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। अगला है, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपालिकों के। अगला, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अगला, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ है? जवाली जवालो उपनिषद में। अगला है, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्ती। अगला क्वेश्चन है, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो वह यह प्रस्तुत की गई बर्तन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, बताइए कि इन छोरों पर कौन कौन से स्थल हैं? रहमान टेरी और भगत राय। अगला है, अशोक के गंधार एवं लग्धमान के लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? लिखे थे आरमाई अरिमाई। अगला है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल कप्पियम का लेखक कौन था? तोल कप्पियर। अगला है, हमारा चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या फोन। अगला है, मौर्य उत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया गया था समिति के सभापति को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे, मंडल समितियों में विभाजित था, समितियों की संख्या क्या थी? 6। अगला है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। अगला है, गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, जब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। अगला है, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का तुलोवंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? आमुक्त माल्य। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद करवाया था? 1564 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? मदद ए माल। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं बेले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साले द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सले। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किसको शीर्ण कलम की उपाधि दी थी? प्रधान की अब्दुस मद। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये थी नर्मदा नदी के किनारे।
अगला है, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बौद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटना है। अगला है, चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। अगला, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग।